नमस्कार, सांगवान न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि राठौर। आज राजस्थान का बजट पेश किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने सांगोद विधानसभा सेक्टर के उपखंड कनवास में राजकीय महाविद्यालय की घोषणा की, जिसके बाद सांगोद विधानसभा वासियों में खुशी का माहौल है। होना भी चाहिए, क्योंकि जब से सांगोद उपखंड पर कॉलेज की मांग की जा रही थी, उसी समय से कनवास में भी कॉलेज की मांग की जा रही थी, जो अब जाकर पूरी हुई है। लेकिन हम आप लोगों का ध्यान इस ओर भी खींचना चाहेंगे कि सांगोद उपखंड पर आज महाविद्यालय को शुरू हुए तकरीबन 4 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जब से सांगोद में कॉलेज का निर्माण हुआ है या कॉलेज संचालित हुआ है, तब से यहाँ व्याख्याताओं के पद निरंतर रिक्त चल रहे हैं, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थी जैसे तैसे पढ़कर पास तो हो जाते हैं, लेकिन उनके मार्कशीट में जो नियमित लिखा आता है, वह कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम के साथ धोखा है, क्योंकि उन विद्यार्थियों में उस लेवल की योग्यता नहीं हो पाती जो एक नियमित विद्यार्थी को मिलती है, क्योंकि ना तो कॉलेज में निरंतर कक्षाएं लगती है, ना ही प्रैक्टिकल कार्य समय पर हो पाते हैं। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह कॉलेज में व्याख्याताओं की भर्ती पर भी ध्यान देगी। आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है, अपनी प्रतिक्रियाएं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, जल्द आपके साथ हाजिर होंगे अन्य टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपका सहयोग हमारे साथ इसी तरह बना रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।